सब ये कंट्रोल अकाउंट से रिलेटेड टॉपिक है हमारा, सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन और पेबल लेजर रिकंसिलिएशन। अच्छा, बैंक रिकंसिलिएशन याद है जी? रिकंसाइल के मीनिंग क्या होते हैं? रिकंसाइल कंपेयर करना, इसको इक्वल करना, एक लेवल पे लाना ना, बैलेंस करना। जैसे बैंक रिकंसिलिएशन हम क्या करते हैं, बैंक स्टेटमेंट और कैश बुक के बैलेंस को इक्वल करते हैं, एक लेवल पे लाते हैं, रिकंसाइल करते हैं। अच्छा, आपको डे बुक याद है, परचेज डे बुक याद है, अभी टेस्ट हुआ है ना। अच्छा, परचेज डे बुक के बाद हम बनाते हैं सप्लायर अकाउंट्स, बनाते हैं पेबल लेजर। पेबल लेजर में हर सप्लायर का अलग अलग अकाउंट बनता है। अच्छा, अब एक सप्लायर का हमने अकाउंट बनाया, मंथ एंड हुआ, उसको बैलेंस किया, एक अमाउंट आ गया। अच्छा, जिस तरह आप बैंक से हमें बैंक स्टेटमेंट मिलता है, बैंक स्टेटमेंट क्या होता है, इसमें क्या होता है, जैसे ओपनिंग बैलेंस होता है पूरे मंथ की, ट्रांजेक्शन होती हैं, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होता है। तो इसी तरह का एक स्टेटमेंट हर जो सप्लायर होता है, सप्लायर अपने कस्टमर को इश्यू करता है, ठीक है। तो इसी तरह सप्लायर जो है वो एक स्टेटमेंट अपने कस्टमर्स को इशू करता है, उसे आप कहते हैं सप्लायर स्टेटमेंट। अब उसमें क्या होता है, ओपनिंग बैलेंस होगा, पूरे मंथ की ट्रांजेक्शन होती है, लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस होगा। अच्छा, अब हमने एक सप्लायर से गुड्स परचेज की, रिटर्न की, पेमेंट की, सिलसिला चलता रहा, मंथ एंड हुआ, मंथ एंड पे हमने सप्लायर अकाउंट क्लोज किया, बैलेंस आया 5,000। अब मंथ एंड पे हमें सप्लायर की तरफ से स्टेटमेंट मिला, तो उसे स्टेटमेंट का बैलेंस कितना होना चाहिए, 5,000 होना चाहिए। लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि दोनों बैलेंस सेम नहीं आता, ऐसा भी हो सकता है कुछ रीजन। अच्छा, अब हमें ये करना है इसमें कि आपको वही सेम वही सिलसिला, यहाँ पे वही कैलकुलेशन होगी कि एक आपको बैलेंस दिया होगा एज पर लेजर, एक बैलेंस आपको देगा एज पर स्टेटमेंट, और दोनों को हमें रिकनसाइल करना है, एडजस्ट करना। अच्छा, इसकी रीजन क्या हो सकती है बैलेंस सेम ना आने। हमने एक पेबल अकाउंट बनाया, उसका बैलेंस था 5,000, सप्लायर की तरफ से हमें स्टेटमेंट मिला, उसका बैलेंस था 4,000, तो एरर हो गया और ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना भूल गए, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, राइट। तो कई रीजन हो सकती हैं, पहले वो रीजन जरा देख लेते क्या क्या हो सकती हैं, तो रीड कर लें। ये कुछ रीजन हैं जिनकी वजह से सप्लायर के स्टेटमेंट बैलेंस में और हमारे लेजर बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। ये तो हो गई कुछ क्लियर रीजन हो गई जिनकी वजह से सप्लायर स्टेटमेंट और पेबल लेजर के बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है। अच्छा, आपको दे दूंगा हैंड आउट, इसका कॉपी निकालने टाइम लग जाएगा काफी। अच्छा, अब इससे पहले चलिए एक काम और करते हैं, तो ये क्वेश्चन कर लेते हैं पहले, तो उससे ही आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी हमें करना क्या है। डे बुक्स की प्रैक्टिस भी हो जाएगी आपकी, कॉन्सेप्ट और मजीद क्लियर हो जाएगा डे बुक का। अच्छा, देखिए ये हमें दोबारा आएंगे पहले। हाँ, ये डे बुक का एक रिवीजन भी हो जाएगा, लेजर्स हम बनाते हैं और रिसीवेबल है, एक्टिविटी टू। जिसमें आपको एक ये डे बुक दी हुई है, परचेज डे बुक है, उसके बाद परचेज रिटर्न डे बुक,
और लास्ट में इसने कैश बुक भी है, कैश बुक में एक्सट्रैक्ट है पेमेंट साइड का, पेमेंट साइड का एक्सट्रैक्ट है। अच्छा देखिए एक चीज यहाँ पर और आपको चेंज एक दिख रहा होगा, हमने जो टेबुक्स बनाई थी उसमें अमाउंट का एक कॉलम था, यहाँ पर तीन कॉलम बने हुए ना, एक है टोटल सेल्स टैक्स और नेट का, टोटल को आप ग्रॉस अमाउंट भी कह सकते हैं। अच्छा हमने जो डे बुक्स बनाई थी उसमें अमाउंट का एक कॉलम था, अच्छा वो डे बुक हम बना रहे थे एक ऐसे बिजनेस की जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड नहीं था, और ये डे बुक एक ऐसे बिजनेस की है जो सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है। ठीक तब अगर आपका बिजनेस सेल्स टैक्स रजिस्टर्ड है तो उसमें फिर डे बुक बनेगी, थ्री कॉलम्स होती है, ठीक है, नेट अमाउंट हो गया, सेल्स टैक्स हो गया, फिर ग्रॉस आ जाएगा, तो ये डिफरेंस है बस। अच्छा इन तीनों टेबल्स को देखते हुए पहले हम बनाते हैं टेबल लेजर, उसके बाद एक जनरल लेजर बनाएंगे, उसके बाद फिर हम आएंगे रिकंसिलिएशन की तरफ, ठीक है, इससे आपका डे बुक का रिविजन भी हो जाएगा और नई चीजें आपको समझ में भी आ जाएगी। स्टार्ट हम करते हैं पहले टेबल लेजर से। टेबल लेजर में क्या बनाते हैं, कौन से अकाउंट बनते हैं, ये अकाउंट किसके, कस्टमर सप्लायर, सप्लायर के अकाउंट बनेंगे ना, अब इसमें हर सप्लायर का एक इंडिविजुअल अकाउंट बनेगा, ठीक है, सब बनाते हैं। तो पहले हमने अकाउंट बनाए थे सिर्फ पोस्टिंग की थी, क्लोजिंग बैलेंसिंग नहीं की थी ना, तो यहाँ पोस्टिंग भी करेंगे, क्लोजिंग बैलेंसिंग भी होगी, इसको कंप्लीट बनाएंगे कि पहले सप्लायर कौन है, पाइपर, जब पाइपर से हमने गर्ड्स परचेज किए हैं, नेट अमाउंट है 563, सेल्स टैक्स 112, ग्रॉस हो गया 675। अच्छा परचेज की एंट्री क्या होगी, जनरल एंट्री बता दें पहले, परचेजेस डेबिट, अच्छा अकाउंट्स पेबल क्रेडिट और सेल्स टैक्स, वैसे सेल्स टैक्स भी है ना, सेल्स टैक्स के साइड पर आएगा क्रेडिट या डेबिट, डेबिट, वेट ऑन परचेज डेबिट होता है, वेट ऑन सेल्स क्रेडिट होता है ना, सेल्स डेबिट होगा क्या, जब परचेजेस को हम डेबिट किस अमाउंट से करें, नेट से ग्रॉस से, परचेजेस और पेबल सब भूल गए, परचेज नेट अमाउंट से रिकॉर्ड होंगी, सेल्स टैक्स के अमाउंट से रिकॉर्ड होगा, अकाउंट्स पेबल ग्रॉस अमाउंट से रिकॉर्ड होता है, 675.6, ठीक है, अटेंडेंस को टेस्ट है ना, अच्छा दो टॉपिक का टेस्ट है ना, और हालात आपके ये इस वक्त, ठीक है, अच्छा पेबल को ठीक है, देख एंट्री क्या बन गई, परचेज डेबिट, सेल्स टैक्स डेबिट, अकाउंट्स पेबल क्रेडिट, अब ये अकाउंट्स पेबल यहाँ क्रेडिट हो जाएगा, अकाउंट्स पेबल पाइपर क्रेडिट होगा 675.6 है, करेक्ट टोटल से कर देते हैं, ठीक है। अच्छा वैसे एक और चीज और बता दूं, इसका जो प्रॉपर तरीका है रिकॉर्डिंग का तो ये है कि इसको हम क्रेडिट जो करेंगे ना, यहाँ पर लेजर में, लेजर में क्रेडिट हम कुछ इस तरह से करेंगे, 563.112.6 प्रॉपर तरीका है इसका, ठीक है, अब यहाँ डिस्क्रिप्शन में क्या लिखेंगे आप, और यहाँ डिस्क्रिप्शन में सेल्स टैक्स, ये पोस्टिंग का प्रॉपर तरीका, बाकी अगर हम एमसीक्यूज कर रहे हैं तो इसमें एग्जाम में एमसीक्यूज आएंगे ना, तो फिलहाल हम डायरेक्ट इसको ग्रॉस अमाउंट से क्रेडिट कर सकते हैं, तो ये क्रेडिट हो गए, इसके बाद नेक्स्ट कौन है, रोमियो, यदि अकाउंट और बनेगा, अच्छा कितने ही है, एक दो तीन चार पांच, पांच अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है, नेक्स्ट वन है पेपर के बाद रोमियो,
इससे हमने गुड्स परचेज किए कितने, ग्रॉस अमाउंट कितने, 741.6, 741.6 क्रेडिट। नेक्स्ट कौन है, सीरा, सीरा ये, इसका टोटल कितना है, 517.20। तो ये तो है 517 है। अब अच्छा बोल, अच्छा अच्छा 517.2। नेक्स्ट कौन है अब, टेंगो, टेंगो टोटल कितना है, 1080। नेक्स्ट नॉर्थ इलेक्ट्रिक, कंपनी का नाम है इलेक्ट्रिक या नॉर्थ इलेक्ट्रिक, 225। ओके जी, ठीक है, ये तो हमने परचेजेस की, परचेजेस को पोस्ट कर दिया। अच्छा दोबारा भी परचेज हो रही है, इसके बाद वेक्टर से, अच्छा वेक्टर भी है, एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक लेजर और बन जाएगा वेक्टर। वेक्टर से कितने की परचेज की हमने, 248, 428.4। जिसके बाद ड्रोमियो से फिर परचेज की हमने, 220.25.6। तो क्रेडिट करते हैं 225.6 क्रेडिट। एंगो से परचेज की 960, 960 क्रेडिट। वेक्टर से परचेज की 633.6, 3.6 वेक्टर। इसके बाद सीरा से फिर 489.6, 489.6। ये तो हमने परचेजेस पोस्ट कर दी। अच्छा अब आ जाएं परचेज रिटर्न पे, कौन है इसमें, पाइपर और सीएल। पाइपर 288 हमने रिटर्न किए। अच्छा परचेज रिटर्न की डबल एंट्री बताएं, परचेज रिटर्न क्रेडिट, परचेज रिटर्न क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट और सेल्स टैक्स क्रेडिट होगा। अब ग्रॉस अमाउंट कितना है, 288, सेल्स टैक्स 48, नेट अमाउंट 240। अब इसमें अकाउंट्स पेबल कहाँ है, डेबिट पे ना, तो रिटर्न्स अब हम रिकॉर्ड पोस्ट कर देंगे, डेबिट पर 288, पेबल डेबिट हो जाएगा। के बाद सीएल है 360 डेबिट, ठीक है क्लियर। अच्छा ये दो परचेज रिटर्न हो गई। कैश बुक पे आते हैं, कैश बुक में पेमेंट्स हैं। पहली पेमेंट किसको कर रहे हैं, टेंगो को बाय चेक 2008 की हमने पेमेंट की और 32 का डिस्काउंट रिसीव हुआ। इसकी डबल एंट्री बताएं, डिस्काउंट रिसीव्ड क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट और पेमेंट बाय चेक हो रही है ना, वो भी तो बैंक भी तो आएगा। अच्छा इसमें पेमेंट कितनी है, 2008, 2008 से बैंक क्रेडिट हुआ, डिस्काउंट रिसीव हुआ 32 का, तो पेबल डेबिट हो जाएंगे, ऐड कर लें 240.2040। ओके तो पेमेंट के टाइम पर अकाउंट्स पेबल डेबिट हो रहे हैं, जब डेबिट पे लिख लेते हैं 2008, जिसको हम कौन है इसको पे कर रहे हैं, टेंगो को। टेंगो किधर है भाई, जैसे आप टोटल करके भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी पोस्ट कर सकते हैं, कि बैंक अलग और डिस्काउंट अलग, चाहे तो 2040 से भी डेबिट कर सकते हैं। पर पाइपर को पेमेंट की 387.6,
7.6, रोमियो 225.6, 25.6, ये बात नॉर्थ इलेक्ट्रिक 228.12, 228.1। अच्छा, परचेज हमने की थी 225 की, पे कर दिए 228, ओवर पेमेंट हो गई। ठीक है, इससे क्या होगा, उसका बैलेंस डेबिट के बजाय क्रेडिट पे चला जाएगा। ठीक, ओके। अब अच्छा, ये हमने लेजर से पोस्टिंग कर दी, अकाउंट्स क्लोज करके बैलेंस करते हैं, परचेज हो गई, रिटर्न्स हो गई, पेमेंट आ गई, क्लोजिंग बैलेंसिंग कर लेते हैं। इसका टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड ज्यादा है, डेबिट साइड ज्यादा है। क्रेडिट साइड 675.6, तो दोनों साइड का टोटल सेम आ रहा है। इसका बैलेंस तो जीरो हो जाएगा, हाइपर का रोमियो, इसकी क्रेडिट साइड ज्यादा है, ये 967.2, 967.2 माइनस करेंगे, बैलेंस कितना आएगा, 741.6। तो कैरी डाउन और ये ब्रॉड डाउन हो जाएगा क्रेडिट साइड। दे दो, दे दो, दे दो। ओके, ये हो गया रोमियो अकाउंट। ओके, नेक्स्ट। तो ये रहा अकाउंट, क्लोज करते हैं। तो ये जो क्वेश्चन है आपको सेकंड पेज पर मिल जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट है, इसका टोटल क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है, कितना, 1006.8, 1006.8 माइनस करेंगे डेबिट साइड, 646.8 कैरी डाउन और ये क्रेडिट पे ब्रॉड डाउन हो जाएगा। उसके बाद मैंगो 2040, 2040। अच्छा, इसके दोनों साइड का टोटल सेम आ रहे हैं, बैलेंस क्या होगा, जीरो, जीरो बैलेंस हो जाएगा। उसके बाद नॉर्थ इलेक्ट्रिक, अब इसके डेबिट साइड ज्यादा है, 228.12, 228.12, तो कैरी डाउन इसका आएगा, डेबिट क्रेडिट साइड पर कितना आ रहा है, 3.13 होगा ना सर, और इसका ब्रॉट डाउन आ जाएगा डेबिट साइड पे ना। तो ये हमने पढ़ा था कि ओवर पेमेंट की वजह से सप्लायर का बैलेंस डेबिट हो सकता है। अच्छा, अब डेबिट बैलेंस की वजह से इसकी नेचर चेंज हो जाएगी, अब ये पेबल नहीं है बल्कि रिफंडेबल होगा, रिसीवेबल हो जाएगा। अच्छा, इसके बाद वेक्टर अकाउंट बनाते हैं, कितना है, 1062 टोटल आ रहे हैं। इसका टोटल कर लेते हैं, 1062, 1062 क्या हुआ, ये प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। और क्या वो बनाते हैं जर्नल लेजर, और जर्नल लेजर में इससे रिलेटेड तीन अकाउंट्स बनेंगे, एक परचेज का, दूसरा परचेज रिटर्न, तीसरा अकाउंट पेबल, और चौथा हो जाएगा इसमें सेल्स टैक्स। सेल्स टैक्स भी आ रहा है, तो एक अकाउंट सेल्स टैक्स का भी होगा।
इसमें हम रहने दे, फिलहाल एक ही अकाउंट बना लेते हैं, कंट्रोल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। पेबल ट्रेड पेबल, लेजर अकाउंट, ठीक है। कंट्रोल अकाउंट में डे बुक से कौन सी वैल्यूज पोस्ट होती हैं? जो बताएं कंट्रोल अकाउंट में डे बुक से कौन सी वैल्यूज पोस्ट होती हैं? टोटल, ठीक है। अब परचेज डे बुक का टोटल कितना है? टोटल का टोटल 5796, ठीक है। ये टोटल परचेज है, ये हम पोस्ट कर देंगे पेबल अकाउंट में, क्रेडिट साइड पर आ जाएंगे 5796. टोटल परचेज आ गई, जिसके बाद परचेज रिटर्न है टोटल 648, डेबिट पे आ जाएंगे 648 टेबल डेबिट। इसके बाद पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स का टोटल कितना है? 2849, 2849.32 पेमेंट्स आ गई डेबिट पर, और डिस्काउंट रिसीव ये भी डेबिट पर आएगा, पेबल में डेबिट होगा ना, डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट होता है, पेबल अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट होता है, 32 आ गया। इसके बाद बैलेंस कर लेते हैं हम, क्रेडिट साइड का टोटल है 5796.7 बैलेंस होता है कितना आ रहा है? 3,329.3, ये पेबल का टोटल आ जाएंगे ना, कंट्रोल अकाउंट बैलेंस आ गया। तो ये कॉपी कर लें, तो ये बैलेंस रॉन्ग है, टोटल आ रहा 2267.4, आप लोगों ने बैलेंस किया था, मैंने नहीं किया। सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन, सप्लायर टॉपिक हमारा क्या, सप्लाई स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन और पेबल लेजर रिकंसिलिएशन। अच्छा, हमने पेबल लेजर्स बनाए, इसमें हर सप्लायर का एक इंडिविजुअल अकाउंट बना रहे हैं। देखिए हमारे एक सप्लायर अकाउंट आ गए। अच्छा, अब हमने टाइपर किया, गैस की बात कर रहे हैं, रोमियो किसका बैलेंस कितना आ रहा है? रोमियो 741.6, ये एज पर लेजर है। अच्छा, इसके जो सप्लायर है हमारा रोमियो, उसकी तरफ से हमें मंथ एंड पर मिलेगा स्टेटमेंट, जिस तरह बैंक से मिलता है बैंक स्टेटमेंट, इसी तरह सप्लायर जो होते हैं वो अपने कस्टमर्स को मंथ एंड पे स्टेटमेंट सेंड करते हैं, जिसमें उसका ओपनिंग बैलेंस होगा, पूरे मंथ के ट्रांजेक्शन होती है, और लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस। अच्छा, अब हमें सप्लायर यानी कि रोमियो की तरफ से जब स्टेटमेंट मिलेगा, उसका बैलेंस कितना होना चाहिए? क्लोजिंग बैलेंस 741.6 होना चाहिए ना, जो बैलेंस लेजर का वही बैलेंस स्टेटमेंट का भी होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कुछ रीजन की वजह से बैलेंस में डिफरेंस आ सकता है, रीजन तो हमने बात कर ली। अब करना क्या होगा? करना वही है जो बैंक रिकंसिलिएशन में करते थे, कि दो बैलेंस आपको गिवन होंगे, रीजन बता देगा, दोनों को हमने एडजस्ट करना है, रिकनसाइल करना है, इक्वल।
अब ये हैंडआउट आपके पास है, इसमें क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चंस करते हैं थोड़े, ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ। इस पर आते हैं, ठीक। सप्लायर स्टेटमेंट, रिकंसिलिएशन, क्वेश्चन नंबर वन। केली का बिजनेस कमेंस ट्रेडिंग ऑन जनवरी 1, 2001। फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विद सप्लायर, सप्लायर नेम है ए, सप्लायर ए हैव बीन रिकॉर्डेड इन परचेज लेज। अच्छा, ये सप्लायर ए है, हमारा एक सप्लायर है ए, परचेज लेज हमने बनाया हुआ। अच्छा, फिर परचेज वैल्यू उसने टी अकाउंट के बजाय की स्टेटमेंट फॉर्म में बना ली। ओपनिंग बैलेंस ले लें, गुड्स परचेज की 50 की, फिर हमने 435 की परचेज है, पेमेंट की 385, क्लोजिंग बैलेंस 100 आ गया। ये तो बैलेंस है एज पर लेजर। इसके बाद अब 31 मार्च 2001 बिजनेस रिसीव द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर्म सप्लाई। अच्छा, ये ट्रांजेक्शन कब किए, जनवरी से लेकर मार्च तक है। मार्च के एंड पे बैलेंस 3 मंथ के ट्रांजेक्शन है, और ये स्टेटमेंट भी कब मिल रहा है, मार्च के एंड। ओपनिंग बैलेंस ले लें, फिर ये इनवॉइस है, फिर एक इनवॉइस, फिर इनवॉइस, और क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है 520। एज पर लेजर बैलेंस कितना है 100, और सप्लायर स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है 420 का डिफरेंस आ रहा है। अब इसमें रीजन क्या है, इसमें जरा देखें। आप देखिए, ओपनिंग बैलेंस नहीं ले, दोनों सेम। परचेज की हमने 550 की, 550 सेम। 435 की परचेज है, 435 सेम। पेमेंट हमने की 385, पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किए। अच्छा, इसके बाद देखें, पेमेंट उसने रिकॉर्ड ही नहीं किए, ने पेमेंट की उसने रिकॉर्ड नहीं की, और प्लस एक इनवॉइस 35 की यहाँ रिकॉर्ड है, हमने रिकॉर्ड नहीं, यानी कि हमने परचेज की होंगी 35 की, वो हम रिकॉर्ड करना की वजह से ये डिफरेंस आ रहा है, ठीक। अच्छा, अटेंडेंस है, तो इस पे बात करते हैं। सर की रिक्वायरमेंट क्या है, क्वेश्चन की, ट्रांजेक्शन शुड बी नोटेड एज रिकंसाइलिंग आइटम ऑन द सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन 31 मार्च। इधर से ट्रांजेक्शन का पूछ रहे हैं आपसे, दो ट्रांजेक्शन है, एक हमने पेमेंट की है, सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं किया, और सप्लायर ने हमें गुड सेंड की, सप्लाई की जो हमने रिकॉर्ड नहीं की, इन दो की वजह से डिफरेंस आ रहा है। ये तो इसके रिक्वायरमेंट हो गई, ठीक है। अच्छा, बाकी अब हम भी काम करते हैं अपनी कैलकुलेट प्रैक्टिस के लिए, इन दोनों को जरा तो बैलेंसेस को रिकनसाइल करते हैं, एडजस्ट करते हैं, देखते हैं एडजस्टेड बैलेंस क्या आता है ना करेक्शन के बाद। तो पहले हम एक पेबल अकाउंट बना लेते हैं इसका, पेबल लेजर में सप्लायर अकाउंट बनाते हैं। ये सप्लायर कौन, हमारे मिस्टर ही, अकाउंट यहां से कॉपी कर लेते। सप्लायर नेम क्या है, मिस्टर ए, हाँ देख लेते हैं, मिस्टर ए कर देते, ठीक। ओपनिंग बैलेंस कितना है, अच्छा बल्कि ओपनिंग तो हम नहीं लेंगे, क्लोजिंग बैलेंस कितना है लेजर का 100, और ये हो जाएगा क्रेडिट पे ना। अब इसे हम एडजस्ट करते हैं। ओके, अब इसमें हम क्या करेंगे, जो ट्रांजेक्शन हमने रिकॉर्ड नहीं की वो रिकॉर्ड कर लेंगे ना। तो ये एक ही ट्रांजेक्शन है हमारी 35 वाली, जो हमने रिकॉर्ड नहीं की है। तो ये इनवॉइस है, तो इनवॉइस में परचेज है, परचेज की एंट्री, परचेज डेबिट, अकाउंट्स पेबल, 35 से क्रेडिट कर देंगे। अकाउंट क्लोज करते हैं, 135 कैरी डाउन आ गया, 135, और ये इसका डाउन हो जाएगा क्रेडिट पर 135, ठीक। अब हम बनाएंगे रिकंसिलेशन स्टेटमेंट, पहले हम बनाते थे बैंक रिकंसिलेशन, अब हम बनाएंगे सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलिएशन।
इसमें हम लिखेंगे बैलेंस एज पर स्टेटमेंट, एज पर सप्लायर स्टेट। बैलेंस एज पर स्टेटमेंट कितने हैं? 520, 520। अब इसमें कौन सी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड नहीं हुई? एक तो इसमें पेमेंट रिकॉर्ड नहीं किया सप्लायर ने, और बस। तो यहां से हम पेमेंट माइनस कर देंगे, पेमेंट कितनी है 385 माइनस करते हैं, बैलेंस कितना आएगा 135। दोनों बैलेंस सेम हो गए, एडजस्ट हो गए, रिकनसाइल्ड हो गए ना। इसको हम लिख लेंगे एडजस्टेड बैलेंस एज पर लेजर। ठीक है, ये दोनों बैलेंस हमारे रिकनसाइल्ड हो गए, एडजस्ट हो गए, और एडजस्टेड बैलेंस आ गया हमारे पास कितना 135। कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर टू, इसमें था ये, इसका देख लें नंबर क्या था। इसका ट्रांजेक्शन नंबर था 3 और इसका नंबर है 6। ऑप्शन सी होगा, करेक्ट आंसर होगा सी, 3 एंड 6। ये दो ट्रांजेक्शन है जिनकी वजह से डिफरेंस आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर टू, एमिलियाज अकाउंटिंग, एमिलियाज अकाउंटिंग रिकॉर्ड शोज एन आउट अमाउंट ओइंग टू चार्ल्स ऑफ 650 एट 30th सितंबर। अच्छा, पेबल बैलेंस कितना है 650 का। अच्छा, ऑन अक्टूबर 5 एमिलिया रिसीव्ड अ सप्लायर स्टेटमेंट फ्रॉम चार्ल्स व्हिच इंडिकेटेड दैट टोटल ओड्स एट 30th सितंबर वाज 750। अच्छा, हाँ, 10 में फिर एक ही आ जाएगा, 3। यहाँ डी हो जाएगा, ए हो जाएगा, 3 ओनली ए। हाँ, तो ये स्टेटमेंट पर यही आएगा सर। हाँ, पर ये सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन लिखा हुआ है, सही है। स्टेटमेंट में एक ही आएगा, फिर ए ओनली हो जाएगा। ठीक है, यहाँ इसका पूछ रहा है ना, रिकंसाइलिंग आइटम ऑन द सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन। यहाँ पे हमने क्या लिखा है, 385 आया ना। अच्छा, यहाँ 385 आ रहा है ना जी। ए होगा फिर सिर्फ, क्योंकि ये सप्लायर स्टेटमेंट रिकंसिलेशन का पूछ रहा है। अगर सिर्फ लिखा होता ना रिकंसाइलिंग आइटम्स, अगर ये लिखा होता है कि नोटेड एज रिकंसाइलिंग आइटम, बस ये नहीं होता, फिर वो दोनों हो जाते हैं। अच्छा, इसमें टू में क्या है, हमारे रिकॉर्ड में पेबल्स कितने आ रहे हैं 650, और सप्लायर स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है 750। 100 का डिफरेंस आ रहा है। क्या लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कुड एक्सप्लेन द रीजन फॉर द डिफरेंस। अच्छा, रीजन बतानी है। अच्छा, एमिलिया इनकरेक्टली एंटर्ड परचेज इनवॉइस ऑफ 300 इनटू हर अकाउंटिंग सिस्टम एज 400। अच्छा, वन बाय वन करेक्शन करते हैं, जहां पे दोनों बैलेंस सेम हो जाएंगे वही आंसर होगा। तो ये कॉपी कर लेते हैं पहले फॉर्मेट इसका। क्वेश्चन नंबर टू, जब सप्लायर कौन है हमारा, चार्ल्स है, और लेजर बैलेंस कितना है 650।
स्टेटमेंट का बैलेंस कितना है? 750। अच्छा ए, इसकी करेक्शन क्या होगी? एमिलियर इनकरेक्टली एंटर्ड अ परचेज इनवॉइस ऑफ 300 इनटू हर अकाउंटिंग सिस्टम एज 400। इस वक्त एमिलिया हमें, चार्ल्स हमारा सप्लायर है ना, तभी हमने मिस्टेक की है, परचेज हमने की 300 की, रिकॉर्ड किया उसको 400 से, तब इसकी करेक्शन लेजर में होगी ना। क्या करेक्शन होगी लेजर में? 100 डेबिट होंगे, क्रेडिट होंगे? 300 की परचेज है, 400 से रिकॉर्ड किया है ना। परचेज की एंट्री क्या होती है? परचेज डेबिट अकाउंट्स पेबल क्रेडिट। तो क्रेडिट हमें करना था 300 से और क्रेडिट हमने किया 400 से, तो करेक्शन क्या होगी? 100 से डेबिट करना पड़ेगा ना। 100 से डेबिट करेंगे तो बैलेंस क्या बचेगा? 550। दोनों बैलेंस इक्वल नहीं हो रहे तो ए आंसर नहीं होगा। ऑप्शन बी, एमिलियस साइंड अ चेक फॉर 100 ऑन 30 सितंबर, ये हम पे कर रहे हैं अभी, टू फुली सेटल एन आउटस्टैंडिंग इनवॉइस, बट चार्ल्स हैज नॉट येट रिसीव्ड इट। हमने पेमेंट कर दिया उसे चेक रिसीव, जब चेक रिसीव होगा तो वो अपने पास से वहां से माइनस होगा ना। हमने सप्लायर को चेक सेंड कर दिया जो सप्लायर को रिसीव, तो हम तो रिकॉर्ड कर चुके होंगे। अच्छा, जब सप्लायर रिकॉर्ड करेगा तो उसका बैलेंस क्या होगा? कम ज्यादा? 100 से कम हो जाएगा, 100 माइनस करेंगे बैलेंस कितना बचेगा? 650। दोनों बैलेंस सेम हो गए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो। तो बाकी सी और डी की करेक्शन भी कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। तो ऑप्शन सी है, चार्ल्स सेंट अ क्रेडिट नोट टू एमिलिया फॉर 100 ऑन 30 सितंबर, बट एमिलिया हैज नॉट येट रिसीव्ड इट। अच्छा, चार्ल्स ने हमें क्रेडिट नोट सेंड किया है, तो ये क्रेडिट नोट कब सेंड होता है? परचेज रिटर्न के टाइम पर सप्लायर हमें सेंड करता है क्रेडिट नोट। तो ये परचेज रिटर्न है 100 की, हमने रिकॉर्ड नहीं कि रिकॉर्ड करेंगे तो पेबल अकाउंट डेबिट होगा, बैलेंस कितना रह जाएगा? 550। दोनों इक्वल नहीं होंगे, सी हो गया। एमिली अटेम्प्टेड टू सेंड अ डेबिट नोट टू चार्ल्स फॉर 100 फॉर्मली रिक्वेस्टिंग अ रिडक्शन इन एन अमाउंट ड्यू टू हिम। ठीक, एमिली एक्सीडेंटली रिकॉर्डेड दिस एज परचेज इनवॉइस, चार्ल्स हैज नॉट येट रिसीव्ड द इनवॉइस येट। हमने उसको, सॉरी, डेबिट नोट इशू किया है। डेबिट नोट कब इशू करते हैं? जब परचेज रिटर्न होती है ना, और रिकॉर्ड उसको क्या किया हमने? परचेज इनवॉइस, यानी कि परचेज रिटर्न को हमने परचेज रिकॉर्ड किया। परचेज रिटर्न कहाँ आती है? डेबिट पर। डेबिट करने की वजह हमने क्रेडिट कर दिया। करेक्शन क्या होगी? डबल से डेबिट करेंगे ना, बैलेंस कितना रह जाएगा? 450 इक्वल नहीं आए। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, इसके दोनों बैलेंस सेम आ रहे। ठीक है, क्लियर? कॉपी कर लें। क्या लिखता है? सप्लायर सेंड यू स्टेटमेंट शोइंग अ बैलेंस आउटस्टैंडिंग ऑफ 14,350। Your own records show a balance outstanding of 14,500. Which one of the following could be the reason for this difference? ठीक है, अब स्टेटमेंट का बैलेंस है 14,350 और लेजर बैलेंस आ रहा है 14,500। वन बाय वन करेक्शन करते हैं। जिस ऑप्शन की करेक्शन पर दोनों सेम होंगे वही आंसर हो जाएगा। तो कोई सप्लायर नेम मेंशन नहीं है, इसको अकाउंट पे भी लिख कर देते हैं।
पेबल का बैलेंस कितना है? बैलेंस एज पर लेजर 14,500 और बैलेंस एज पर स्टेटमेंट कितना है? 14,350। अब चार ऑप्शन है, वन बाय वन करेक्शन करते हैं। अब जिस ऑप्शन की करेक्शन पर दोनों बैलेंस सेम होगा वही आंसर होगा। द सप्लायर सेंड एन इनवॉइस फॉर 150 विच यू हैव नॉट येट रिसीव। सप्लायर ने इनवॉइस सेंड की जो हमें रिसीव नहीं हुई, तो ये क्या ट्रांजेक्शन है? ट्रांजेक्शन क्या हो रही है? पेमेंट के टाइम पर इनवॉइस इश्यू होती है। सप्लायर सेंड एन इनवॉइस, सप्लायर इनवॉइस कब सेंड करता है? जब हम परचेज करते हैं। तो सप्लायर ने इनवॉइस सेंड की जो हमने रिसीव, तो रिसीव नहीं की तो रिकॉर्ड भी नहीं की होगी, तो रिकॉर्ड कर लेते हैं। परचेज की एंट्री क्या होगी? परचेज डेबिट अकाउंट्स पेएबल क्रेडिट, तो दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होंगे, ये आंसर नहीं होगा। सप्लायर हैज अलाउड यू 150 कैश डिस्काउंट विच यू हैड ओमिटेड टू एंटर इन योर लेजर। हाँ, तो सप्लायर ने हमें डिस्काउंट अलाउ किया तो ये हमारे लिए क्या होगा? डिस्काउंट रिसीव्ड हो जाएगा। तो डिस्काउंट रिसीव्ड की एंट्री क्या होती है? डिस्काउंट रिसीव क्रेडिट अकाउंट्स पेबल डेबिट, अकाउंट्स पेबल डेबिट होगा। 150 से डेबिट करेंगे तो आपका बैलेंस आ जाएगा 14,350। दोनों बैलेंस सेम हो गए, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। हाँ, बाकी दो की भी करेक्शन कर लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। ऑप्शन बी तो हो गया करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी, यू हैव पेड द सप्लायर 150 विच ही हैज नॉट येट अकाउंटेड फॉर। हमने पेमेंट की, सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं की, करेक्ट। बाकी क्या करें, पेमेंट यहां से लेस कर देंगे, ये तो मजीद कम हो जाएगा ना, 14,200 रह जाएगा, दोनों बैलेंस इक्वल नहीं हो। तो डी, यू हैव रिटर्न गुड्स 150 व्हिच द सप्लायर हैज नॉट हियर्ड अकाउंटेड फॉर। रिटर्न किए उसने रिकॉर्ड, क्या करें, मैनेज ही करेंगे, ये और कम हो जाएगा, दोनों इक्वल नहीं होंगे, तो ये भी आंसर नहीं। करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, ये बैलेंस आ जाएगा 14,350। ठीक है, कॉपी कर लें क्वेश्चन नंबर। क्या लिखता है? नाउमी रिसीव अ सप्लायर स्टेटमेंट फ्रॉम जॉन शोइंग शी ओड जॉन 56,438। द जज डिड नॉट एग्री विद जॉन्स अकाउंट बैलेंस इन नाउमीज पेबल लेजर। द फॉलोइंग डिस्क्रिपेंसीज वर आइडेंटिफाइड। अ चेक फ्रॉम नाउमी फॉर 4,243 हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय जॉन। Naomi had not yet received an invoice from John for 2,130. What is the correct amount owed to John by now? अच्छा, इसमें इसने हमें स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है ना, सप्लायर स्टेटमेंट का बैलेंस दिया है, लेजर का बैलेंस गिवन नहीं है। अब हमें करेक्ट बैलेंस फाइंड करना है, तो उसमें क्या बनाएंगे, लेजर या स्टेटमेंट? अब रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट बनेगी इसमें, स्टेटमेंट का बैलेंस गिवन है, लेजर का बैलेंस गिवन नहीं है। बैलेंस एज पर स्टेटमेंट कितना है? 56,438। इसमें करेक्शंस कर लेते हैं। पहला पॉइंट है, चेक फ्रॉम नाओमी फॉर 4,243 हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय जॉन। अच्छा, इस वक्त नाओमी हमें, जॉन हमारा सप्लायर है, हमने सप्लायर को पेमेंट किए जो बाय चेक जो उसने रिसीव, इसकी करेक्शन क्या होगी? पेमेंट माइनस हो जाएगी, -4,243। इसके बाद सेकंड है, नाओमी हैड नॉट येट रिसीव्ड एन इनवॉइस फ्रॉम जॉन। इनवॉइस सेंड की हमें रिसीव नहीं हुई, तो ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे ना,
लेजर में, ये तो हम रिकॉर्ड करेंगे लेजर में, लेजर हमें बनाना नहीं है क्योंकि लेजर का बैलेंस गिवन नहीं है ना, तो बस ये पे कंप्लीट पर टोटल कर लेते हैं 52,195, ये करेक्ट बैलेंस आ जाएगा, एडजस्टेड बैलेंस आ जाएगा हमारे पास 52,195। कंप्लीट, कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 5 जी, क्या लिखता है, योर ऑर्गेनाइजेशन हैज रिसीव्ड अ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट फ्रॉम वन ऑफ इट्स सप्लायर शोइंग एन अमाउंट आउटस्टैंडिंग बैलेंस ड्यू टू देम 1,350। अच्छा, ये स्टेटमेंट का बैलेंस है। ऑन कंपैरिजन विद योर लेजर अकाउंट द फॉलोइंग इज डिटरमाइंड, योर लेजर अकाउंट शोज अ क्रेडिट बैलेंस ऑफ 260। अब ये बाकी क्या लिखता है, फॉलोइंग कंसिडरिंग दिस आइटम व्हाट इज द अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस बिटवीन द टू रिकॉर्ड्स। अच्छा, रिक्वायरमेंट थोड़ी चेंज है, क्या लिखे, फॉलोइंग कंसिडरेशन ऑफ दीज आइटम्स व्हाट इज द अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस बिटवीन द टू रिकॉर्ड्स, इसका क्या मतलब। मतलब रिकनसाइल करने के बाद भी दोनों बैलेंस इक्वल नहीं होंगे, कुछ डिफरेंस आएगा, वो डिफरेंस बताना है क्या। ठीक है, इससे पहले जो क्वेश्चंस कर रहे थे उसमें रिकनसाइल करने के बाद दोनों बैलेंस एडजस्ट हो रहे थे ना, इक्वल आ रहे थे, तो इसमें कह रहे कि रिकनसाइल करने के बाद भी दोनों बैलेंस इक्वल नहीं आएंगे, कुछ डिफरेंस रह जाएगा, वो डिफरेंस बताना है क्या। ठीक है, अनरिकनसाइल्ड डिफरेंस, तब इसमें वही लेजर बनाएंगे, स्टेटमेंट बनाएंगे, इसके बाद हम डिफरेंस निकालेंगे कितना है, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो लेजर का बैलेंस कितना है, बैलेंस एज पर लेजर है 260 क्रेडिट, 260 क्रेडिट, और बैलेंस एज पर स्टेटमेंट 1,350। ठीक है, करेक्शंस करते हैं। पहला पॉइंट है सप्लायर हैज डिसअलाउड अ सेटलमेंट डिस्काउंट ऑफ 80 ड्यू टू लेट पेमेंट ऑफ इनवॉइस, डिस्काउंट उसने डिसअलाउ कर दिया, डिस्काउंट दिया था वो कैंसिल हो गया ना, तो इससे क्या इफेक्ट होगा, पेबल्स पर क्या इफेक्ट आएगा, पेबल इंक्रीज हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, इसको हम अपने पास यहाँ क्रेडिट कर देंगे, पेबल्स को क्रेडिट करेंगे। सप्लायर हैज नॉट येट अलाउड फॉर गुड्स रिटर्न एट द एंड ऑफ द पीरियड, हमने गुड्स रिटर्न किए, सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं की, तो क्या करें, माइनस करेंगे परचेज रिटर्न, माइनस कर देंगे कितने से, 270। पहले क्या है, द सप्लायर हैज नॉट येट अलाउड फॉर गुड्स रिटर्न, हमने गुड्स रिटर्न किए, सप्लायर ने अलाउ नहीं किया, मतलब अभी उसको रिकॉर्ड नहीं किया होगा। ठीक है, इसको क्या करेंगे, सप्लायर के बैलेंस से जब वो रिकॉर्ड करेगा, अलाउ करेगा, तो सप्लायर के बैलेंस क्या होगा, कम, तो यहां से माइनस कर देते हैं। जिसके बाद है कैश इन ट्रांजिट हैड नॉट बीन रिसीव्ड बाय द सप्लायर, ये कैश इन ट्रांजिट क्या होता है, ये इसका क्या, कैश इन ट्रांजिट जो रास्ते में हो, इन ट्रांजिट मीन्स जो रास्ते में हो ना, गुड्स इन ट्रांजिट भी हो सकती है, कैश इन ट्रांजिट भी हो सकती है, तो यहाँ कैश इन ट्रांजिट का मीन्स है कि हमने सप्लायर को पेमेंट की है जो उसने रिसीव नहीं की, कैश इन ट्रांजिट नॉट रिसीव बाय द सप्लायर, हमने कैश सेंड किया है जो भी इन ट्रांजिट है, रास्ते में सप्लायर तक नहीं पहुंचा। ठीक है, इसी तरह गुड्स इन ट्रांजिट हो सकती है कि सप्लायर ने हमें गुड्स सेंड कर दी जो हमें रिसीव नहीं हुई, तो उसके लिए टर्म यूज होती है गुड्स इन ट्रांजिट। अच्छा, फिलहाल कैश इन ट्रांजिट है, सप्लायर ने रिसीव नहीं किया है, तो जब सप्लायर रिसीव करेगा तो उसके बैलेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, कम हो जाएगा, हम पे कर रहे हैं, किसमें प्लस होगा, क्या लिखे, कैश इन ट्रांजिट हैज नॉट बीन रिसीव बाय द सप्लायर,
सप्लायर ने रिसीव नहीं किया है तो पे किसने किया होगा? हमने पे कर दिया है, उसने रिसीव नहीं किया, तो जब वो रिसीव करेगा तो उसके पास हमारा बैलेंस क्या होगा? बैलेंस हमारा कम हो जाएगा ना, उसके पास रिसीवेबल कम हो जाएंगे, उसके रिकॉर्ड में हमारा बैलेंस कम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से हम क्या करेंगे, कैश इन ट्रांजिट को भी माइनस कर देंगे, कैश इन ट्रांजिट 830। बैलेंस करते हैं इनको, पहले तो इसका स्टेटमेंट का बैलेंस निकाल लेते हैं 250। इसके बाद अब लेजर को बैलेंस करते हैं 340। ये 340 तो दोनों में डिफरेंस कितना आ रहे हैं? 90 का, यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 90, अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस 90 का। 340 माइनस 250 इक्वल्स टू 90, अनरिकंसाइल्ड डिफरेंस होगा 90 का। क्वेश्चन नंबर 6, क्या पेबल का लेजर बैलेंस कितना है? 39। स्टेटमेंट बैलेंस है 3980 और लेजर का बैलेंस है 230 ओनली। पॉइंट वन, अ चेक साइंड बाय ऑर्डन फॉर 270 हैज नॉट बीन अलाउड फॉर इन एल्टास स्टेटमेंट। हमने पेमेंट कर दिया बाय चेक, ऑर्डर ने एल्टास ने रिकॉर्ड नहीं की, तो ये यहां से माइनस हो जाएगी, माइनस कर। पेमेंट है कितने की? 270, माइनस करते हैं। इसके बाद है एल्टास है नॉट अलाउड फॉर गुड्स रिटर्न बाय ऑर्डर, गुड्स रिटर्न की हमने सप्लायर ने रिकॉर्ड नहीं की, तो ये भी माइनस में जाएंगी। यहां लिख दें परचेज रिटर्न माइनस 180, लाइन इंसर्ट कर देते हैं। तो अच्छा, थर्ड पॉइंट, ऑर्डर मेड अ कॉन्ट्रा एंट्री रिड्यूसिंग द अमाउंट ड्यू टू एल्टा बाय 3200 फॉर अ बैलेंस ड्यू फ्रॉम एल्टा इन ऑर्डर्स रिसीवेबल लेजर, नो सच एंट्री हैज बीन मेड बाय एल्टास रिकॉर्ड। हमने सेट ऑफ की एंट्री बनाई जो सप्लायर ने रिकॉर्ड, ये भी माइनस हो जाएगी ना, सेट ऑफ माइनस 3200। तो बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस कितना आ रहा है? 330। अब डिफरेंस कितना आएगा दोनों का? 330 माइनस 230, 100 का डिफरेंस रह गया है, यही इसका आंसर हो जाएगा 100। ठीक है, कॉपी कर लें।